सर जैसे कि ईंट मिट्टी की बनती है सर, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह मिट्टी की काफ़ी किस्म है, जिसमें रूही, मीरा, ब्रेता, रेतली मिट्टी, चिकनी मिट्टी। जी, ईंट किस मिट्टी की बनती है? जो कोयला है आपको तो सर परफेक्ट मिकदार में चाहिए होता है यूज़ करने के लिए। सर ये आप कहाँ से मंगवाते हैं पाकिस्तान में, जिसमें हुकूमत ने एक्शन लिया था बट्टा मालिकों के खिलाफ? सर वो क्या सीन हुआ था और आपने कैसे हैंडल किया? आज हम मौजूद हैं एक ऐसी प्रोडक्शन प्लेस पर जो आपको शहर के बाहर या गाँव में बेजान नजर आती होगी। अभी हम मौजूद हैं जैद ब्रिक्स कंपनी में, जहाँ हम आपको मिट्टी से ईंट बनने का अमल दिखाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भट्टे के मुंशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मुदस्सिर नवाज। सर जैसे कि ईंट जी मिट्टी की बनती है सर, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह मिट्टी की काफ़ी किस्म है, जिसमें रूही, मीरा, ब्रेता, रेतली मिट्टी, चिकनी मिट्टी। जी, ईंट किस मिट्टी की बनती है? सर ये असल में रेतली मिट्टी जो होती है ना, उसके साथ ये मिक्स करके उसको बनाया जाता है। जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है उससे नहीं बनाई जाती। ठीक हो गया सर। सर अभी हमें बताइएगा यहाँ कौन सा? पहले मिट्टी यहाँ बनाई जाती है, फिर उसके बाद ये गारा तैयार किया जाता है। गारा तैयार करने के बाद इसे एक मरतबा उल्टाया जाता है। उल्टाने के बाद इसकी मेकिंग यहाँ पे हो रही है जो तैयार कर रहे हैं। सर ये जो ईंट बनाने का प्रोसेस है, कच्ची ईंट, सर इसके तो आज जैसे कि दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है सर, जी तो सर आज भी अभी आप लोग यहाँ हैंडमेड ही तैयार कर रहे हैं, मशीन से नहीं तैयार होती? सर मशीन से भी बिल्कुल तैयार होती है, मगर जो हैंडमेड होता है वो उसकी अलग इकसाम है, जो मशीन की है वो अलग इकसाम है। क्वालिटी वाइज कौन सी ईंट बेहतर होती है, हैंडमेड या मशीन की? सर ये दोनों ही बेहतर हैं। बहरहाल ये क्वालिटी वाइज ये भी बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे पहले यही चल रही थी हैंडमेड। मशीनें वगैरह तो अभी आ रही हैं, ऑटोमेटिक प्लांट्स भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर जो सबसे बेस्ट आ रहा है वो हैंडमेड का ही आ रहा है। सर जैसे कि हम अक्सर देखते हैं जो भट्टे पे लेबर काम कर रही होती है जी, वो अक्सर गैर इलाके से आई होती है, वो लोग मुकामी नहीं होते, सर इसकी क्या रीज़न है? सर इसकी ये रीज़न कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ना, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करते। यहाँ के कुछ महसूस इलाके हैं जैसे कि सरगोदा हो गया, मंडी बहावलद्दीन हो गए, यहाँ के ये लोग हैं ना जो ये जनवनी शुरू से ही यही काम करते हैं ईंटों का, इसलिए इन लोगों को उधर से बुलाया जाता है और यहाँ इनको काम करवाया जाता है। ठीक है सर, अब देख रहे हैं कि यहाँ ईंट जो है वो अपने सांचे में डलकर तैयार हो गई है, इसके बाद इस पर क्या प्रोसेस होगा? सर इसका प्रोसेस ये होगा कि दो दिन बाद जो है ना इसको खड़ा कर दिया जाएगा, इसके 10-10 के पीस बनाए जाएंगे और 10-10 को खड़ा किया जाएगा, उसके बाद दो दिन इसे सूखने में लग जाएंगे और इसके बाद इसको भट्ठे पर ले जाया जाएगा। सर जैसे कि हमने उधर देखा कि वहाँ सर हैंडमेड ईंट तैयार हो रही थी जी, सर इधर मशीन भी लगी हुई है, सर इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? सर इसका वर्किंग प्रोसेस ये है, पहले हम मिट्टी लेके आते हैं, उसको एक तगार में बनाया जाता है, उसके बाद पानी डाल के इसका गारा तैयार किया जाता है, और हमारे पास बाकेट मौजूद हैं, वो इसको एक मरतबा कल्टी करते हैं और उसको मशीन में डालते हैं। मशीन जो है इसको चला के बना कर सांचे में भरती है और ईंटें तैयार करके नीचे भेज देते हैं। सर सूखने का प्रोसेस वही होता है या ये भी ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने? नहीं, ये उससे कम टाइम लेते हैं। असल में ये जो मशीन आज बना रही है, अभी ईंटें बन रही हैं, तो ये सुबह फर्स्ट टाइम में ईंटें जो खड़ी हो जाएंगी, दो दिन इसको सूखने में लग जाएंगे, उसके बाद भट्ठे में चली जाएगी। यानी हैंडमेड जो है सर उसको 3 दिन लगते हैं सूखने में जी, और जो मशीन से तैयार होती है सर उसे 2 दिन लगते हैं जी। बिल्कुल सर। ठीक है, इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सूखने के बाद ईंट को कैसे रेड़ों की मदद से भट्ठे पर लगाया जाता है और उसको बाद में वहाँ पर डाल कर और कैसे ईंट पकाई जाती है और बाद में निकाली जाती है। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ जो हैंडमेड ईंट है सर, वो बनने के बाद ओपनली धूप में रखी गई है सूखने के लिए, लेकिन जो मशीन से तैयार की गई है सर उसके ऊपर ये एक तरपाट डाल दी गई है, सर इसकी क्या वजह है? सर इसकी ये रीज़न है कि उसको जो हाथ वाली बन रही है ना,
उसके साथ रेत इस्तेमाल हो रही है। हमें यहाँ पे मशीन में इस्तेमाल करने के लिए सांचे से निकालने के लिए ईंट को स्टेरिक एसिड यूज़ करना पड़ता है, तो उस वजह से अगर इसके ऊपर धूप लगती है तो ईंटें फट सकती हैं। इस वजह से इसको ऊपर तरपाल दिए जाते हैं और शाम को जब शाम हो जाती है इसको तरपाल हटा दिए जाते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि मिट्टी से ईंट कैसे बनती है, अब हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि ईंट को पकाया कैसे जाता है। सर अभी यहाँ कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अभी हम भट्ठे के अंदर खड़े हैं। सर यहाँ पे ब्राई का प्रोसेस शुरू है, जैसा कि आपने देखा कि रेड़े वाले जो इसको लेके आते हैं, बाद में इसको यहाँ पे ला के जोड़ा जाता है। ये ब्राई का प्रोसेस है, ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के तहत जो नई ब्राई चल रही है ज़िगज़ैग, ये वो चीज़ें ब्राई लगी हुई है। इसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि वो सिलाई जो है वो कैसे की जाती है। ठीक हो गया सर, अभी तक हमने देखा कि ईंटें भट्ठे के अंदर लगाई कैसे जाती है, अब हम देखेंगे कि इनको पकाया कैसे जाता है कोयले से। सर ये क्या प्रोसेस हो रहा है? सर ये पकाई का प्रोसेस हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो लोहे के तवे लगे हुए हैं। ठीक सर। ठीक है, इनके नीचे हॉल्स हैं और ये दो लड़के जो इसमें कोयला डाल रहे हैं, कोयला डालने की वजह से आग ये प्रॉपर हमारी चलती रहती है आगे। ठीक सर। एक मरतबा आग लगाने के बाद जो ये लगातार चलती ही रहती है, उतना हस्ता किसी वजह से अगर आपको बंद करनी पड़े तो वो आपकी रीज़न होगी, वरना 2400 घंटे ये आग चलती ही रहती है। सर ये जो कोयला है आपको तो सर वाफर मिकदार में चाहिए होता है यूज़ करने के लिए, सर ये आप कहाँ से मंगवाते हैं पाकिस्तान में? सर हम लोग दुक्की से मंगवा रहे हैं। दुक्की से? जी दुक्की का। सर एक ट्रक कोयला आपका कितने दिन चल जाता होगा? सर ये मैक्सिमम हमारा एक गेट आता है मुकम्मल, 7.5 लाख ईंट पकती है एक महीने में, तो उसमें हमें 4 से 5 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। गाड़ी यानी ट्रक? जी ट्रक। ठीक हो गया सर। सर ये कोयला जो है वो अपनी असली हालत में बड़े बड़े पीस डाले जाते हैं या इसको क्रश किया जाता है? सर इसको क्रश किया जाता है, पहले ये आता है बड़ी बड़ी मिकदार में, पथरीला कोयला होता है और पहाड़ से जैसे ही निकलता है वो वैसे ही हमारे पास आता है। इसके लिए हमने अलग से एक मशीन रखी हुई क्रश मशीन, तो उसमें इसको पहले क्रश किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे टपों में डाल दिया जाता है इनको, उसके बाद ये लोग जो है चलाई करते हैं। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ जो लेबर काम कर रही है उन्होंने जो चप्पलें पहनी हुई हैं वो भी दूसरी तरह की हैं, सर इसकी क्या रीज़न है? सर इसकी रीज़न ये है कि यहाँ नीचे जो है ना आग चल रही है, ये जो जहाँ पे कोयला डाल रहे हैं यहाँ से लेकर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ तक आग चल रही है, इस वजह से जो दूसरे जूते हैं वो जल सकते हैं, यहाँ पर इनको पैरों को नुकसान हो सकता है, इसलिए इनको लकड़ी के जूते बनवा के दिए गए। ठीक हो गया सर। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि भट्टे जो हैं वो एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। जी जी। और जदीद दौर है सर, आपने इसके लिए क्या इकदाम किया हुआ है? मेरा भाई पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे हमें ये कहा गया हुआ है कि इसके लिए ज़िगज़ैग ब्राई की जाए, ज़िगज़ैग ब्राई करने के बाद हमारे दोस्त आपको दिखा रहे होंगे कि ब्लोर लगा हुआ है हमारे पास, ये ब्लोर जो है। ब्लोर का काम क्या है? ब्लोर का काम है जो आप अभी देख रहे होंगे कि धुएँ को साफ़ करना, धुएँ को साफ़ करके ये बिल्कुल वाइट करके ऊपर भेजते हैं। पहले इससे जो धुआँ आता था वो काले रंग का आता था, मगर इसको लगाने के बाद हमें ये फ़ायदा हुआ है, एयर पोल्यूशन जो हमें सवाल किया गया है वो चीज़ हम लोग क्लियर कर रहे हैं, धुएं को बिल्कुल सफ़ेद करके ऊपर भेज रहे हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि ब्लोर का काम धुएं को सफ़ेद करना है, और ब्लोर के बगैर भट्टा एक मिनट भी नहीं चल सकता, और यहाँ बैकअप के लिए 2 ब्लोर लगाए गए हैं, तो खुदा ना आस्ता एक ब्लोर बंद हो भी जाए तो दूसरा ये स्टार्ट हो जाए। अभी हम भट्टे के उस हिस्से में खड़े हैं जहाँ ईंट पक कर तैयार हो चुकी है। सर ईंट डालने के बाद कितनी देर में, कितने दिन में सर ईंट जो है वो पक के तैयार हो जाती है? सर ये डेली बेसिस पे काम होता है, डेली बेसिस पे 30 से 35 हज़ार ईंट तैयार होती है हमारी, 30-35 हज़ार ये निकासी वाले निकासी कर रहे हैं, इसको बाहर निकालते हैं या रेड़ों की या ट्रालों की मदद से काकों को बचाया जाता है। सर ये ईंटें स्टॉक भी की जाती हैं? जी बनने के बाद? जी बनने के बाद स्टॉक भी की जाती हैं, मगर वो इस बेस पर की जाती हैं कि अगर कस्टमर ना हो तो उस बेस पर इनको स्टॉक में किया जाता है। कस्टमर अवेलेबल हैं तो ये साथ ही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक हो गया सर। सर हमें अक्सर सुनने में आता है कि जो मौसमी असर आता है वो भट्टे के प्रोसेस पर बहुत असर अंदाज करते हैं चलने या बंद होने पे। सर इसकी क्या वजह है? सर वो मौसम के हिसाब से इस वजह से होता है कि ये कच्ची ईंटें जो होती हैं सब जब बारिश का प्रोसेस होता है तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे पास अलग से कच्ची ईंट के स्टॉक्स भी मौजूद होते हैं और पक्की ईंट के स्टॉक्स भी मौजूद होते हैं। सर आपके पास कच्ची ईंटों का स्टॉक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टॉक है। कम से कम कितना स्टॉक रखा जाता है कच्ची ईंट का? सर ये मुख्तलिफ होता है, डिपेंड करता है कि काम करने वालों पे। अभी हमारे पास 15 लाख का स्टॉक मौजूद है। अभी हमारे साथ मौजूद है जैद ब्रिक्स कंपनी के मालिक मोहम्मद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक है।
सर कब से आप जो है भट्ठा ये चला रहे हैं? मैं 88 से चला रहा हूँ। सर कितनी लेबर काम करती है आपके भट्ठे में? 250-300 बंदा होता है। 250-300? हाँ जी। सर पिछले साल कुछ सर स्कैंडल सामने आया था जिसमें हुकूमत ने एक्शन लिया था भट्टा मालकान के खिलाफ जी। सर वो क्या सीन हुआ था और आपने कैसे हैंडल किया उन्हें? वो स्मोक के बारे में था, वो गवर्नमेंट कह रही थी कि दो स्मोक भट्टा चलाएं वाइट धुएं के साथ, फिर हमने वो इसको प्रोसेस किया जिगजैग तरीके से, भट्टा चला रहे पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया हमारा भट्टा अल्हम्दुलिल्लाह, अब जिगजैग भट्टा चल रहा है। आपका भट्टा पूरा दोस्त माहौल हो गया, दोस्त माहौल बढ़ा था। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर वेरी मच। जी शुक्रिया, मेहरबानी।